हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। बहुत सारी लेडीज़ के मन में ये क्वेश्चन हमेशा से रहता है कि उनका प्रेगनेंसी का कौन सा वीक चल रहा है, क्योंकि देखिए जनरली मंथ तो बहुत सारी लेडीज़ कैलकुलेट कर लेती हैं, लेकिन वीक्स में कैलकुलेशन होना, आजकल जितने भी आप वीडियोज़ देख रहे हो, वेबसाइट्स में पढ़ रहे हो, ब्लॉग्स पढ़ रहे हो, सब जगह आपको वीक बाई वीक ही बच्चे का डेवलपमेंट पता चलता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको वीक्स में कैलकुलेट करना अपनी प्रेगनेंसी को वो अभी भी वो समझ नहीं पाती हैं, तो उनके लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आज ये वीडियो मैंने बनाई है। और साथ ही मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपने जो भी डेट कैलकुलेट की है, जो भी वीक्स कैलकुलेट की है, और आपकी जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो आती है उसमें इतना डिफरेंस क्यों होता है, ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले आप अपनी प्रेगनेंसी को वीक्स में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि पूरी प्रेगनेंसी 40 वीक्स की होती है। जनरली 40 वीक्स तक तो इतना लंबा जाता नहीं है, उसके पहले ही डिलीवरी हो जाती है। अराउंड 36-37 के बाद आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि इसके बाद आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, 40 वीक्स तक नहीं जाती है। लेकिन अगर किसी महिला को अपना करेंट आज के डेट से अपनी वीक्स को कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगी, ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। इसके लिए आपको दो डेटा की ज़रूरत होती है। पहला डेटा होता है आपकी LMP के डेट से, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट जो डे है उसकी तारीख आपको याद होनी चाहिए, और या तो आपने किस दिन कंसीव किया वो डेट आपको याद होनी चाहिए। तो जनरली किस दिन कंसीव किया वो जनरली लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट जनरली लोगों को याद रहती है। तो उसी हिसाब से आपकी पूरी प्रेगनेंसी कैलकुलेट होती है, चाहे वो वीक में आप करो या मंथ में करो, या आप अगर डॉक्टर से भी विजिट करते हैं तो वो भी आपको आपकी LMP ही पूछते हैं, उसी आधार पे आपकी अल्ट्रासाउंड भी होती है, सब कुछ उसी आधार पे कैलकुलेट भी किया जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए कि आपकी LMP जो भी डेट हो, अगर आज की डेट पे आप देखना चाहते हैं कि रिसेंट आज की डेट पे आपकी प्रेगनेंसी कितने वीक की हो गई, या इसकी प्रोग्रेस कितनी हो गई, कितने वीक्स की आपकी प्रेगनेंसी है, तो उसमें आपको करना क्या है कि आप अपने लास्ट LMP से अभी तक जिस दिन भी आप डिसाइड मतलब कैलकुलेट करना चाहते हैं, सपोज़ आज का डेट हो, कल का डेट हो, आने वाले कल का डेट हो, नो मैटर, लेकिन वहाँ से आपको कैलकुलेट करना है सारे दिनों को। सारे दिनों को जोड़ने के बाद आपको उसे 7 से भाग देना है, यानी कि 7 से आपको डिवाइड करना है, क्योंकि 7 से डिवाइड करने का ये मतलब होता है क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो अगर आप उसे 7 से डिवाइड करिएगा तो और जो भी आपकी वैल्यू आती है वो होती है आपकी वीक्स की, आपने कितने वीक्स आप प्रेग्नेंट हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देख लीजिए कि अगर आपकी LMP 1 जनवरी आई और आपको कैलकुलेट करना है फरवरी के 5 तारीख से, आपको आप देखना है कि आपकी इस समय कितनी डेट हुई। तो 5 तारीख का जैसे कि मान लीजिए कि जनवरी में आपको 31 दिन हुए और फरवरी के 5 दिन, यानी कि 31 + 5 यानी कि 36 दिन। तो 36 को कैलकुलेट करके यानी जोड़ के आपको 7 से भाग देना है। 7 से भाग देने के पास आपके पास आता है 7 × 5 = 7 × 5 = 35, यानी कि 5 वीक कंप्लीट और 1 दिन एक्स्ट्रा, यानी कि 5 वीक्स 1 डे। ये तो बहुत ही आसान सा तरीका है, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ लोग का ये क्वेश्चन होता है कि हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया और जो हमारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई उसमें डिफरेंट ऐसा क्यों होता है। तो इसका भी बहुत बड़ा रीज़न बता देती हूँ कि जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उससे हम लोग EDD वगैरह भी निकाल सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप ज़रूर उसे चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। लेकिन आपने जो कैलकुलेट किया और जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आती है वो इतना डिफ़र क्यों होता है। देखिए अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो होती है वो आपके बच्चे की ग्रोथ से लेके होती है, कि उनका जो अनुमान होता है कि इस वक्त आपके बच्चे का जो ग्रोथ है इतने वीक के हिसाब से चल रहा है। सपोज़ अगर आप 15 हफ्ते प्रेग्नेंट हैं, 15 वीक्स अगर आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन आपके जो बच्चे की ग्रोथ है काफ़ी अच्छी है, वो अराउंड 16 वीक्स के आसपास उसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, तो वहाँ पर एक मेंशनड लिखा होता है कि बच्चे का हेड सरकमफेरेंस इतना होता है, इतना ये कॉरेस्पॉन्डिंग इतना, यानी कि आपके बच्चे के डेवलपमेंट के हिसाब से वो वीक्स को कैलकुलेट अराउंड करते हैं। अगर आपकी बच्चे की डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं हो रही है तो वीक्स भी थोड़े से लो हो जाते हैं, लेकिन इससे घबराना नहीं है। आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखें, हेल्दी डाइट लें, अच्छे से खाइए पीजिए, खुश रहिए,
देखिएगा सब कुछ बहुत अच्छे से डिलीवरी हो जाती है। तो होप आपको ये कंप्लीट वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गई। अगर किसी भी तरह की अन्य कोई भी कंफ्यूजन है तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करिए, मे बी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।